ओके आज हमारे पास में चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 15 है 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 15 10th क्लास का। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वाली वीडियो देख ले, फिर क्वेश्चन आंसर समझ में आसानी से आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, हु वाज द लीडर ऑफ द क्रू, क्रू मतलब ग्रुप का लीडर कौन था, तो थॉर हेयरडल, थॉर हेयरडल लीडर था ग्रुप का, और उस ग्रुप के अंदर 7 लोग थे अलग अलग कंट्रीज से। व्हाट डिड थॉर हेयरडल वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड। देखिए कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी करी थी, और वो कहाँ से होता हुआ गया था, सेंट्रल अमेरिका के जंगलों तक पहुंचा था, माउंट ऑफ पेरू से होता हुआ, और एटलांटिक सागर को उसने पार करा था। तो ये जो बात है, इससे पहले बहुत सारे जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यताएं, उन्होंने ये कारनामा पहले ही कर लिया था पेपायरस बोट के थ्रू, और यही बात वो प्रूफ करना चाहते थे। कोलंबस से पहले भी बहुत सारी सिविलाइजेशन अमेरिका तक पहुंच चुकी थी, कोलंबस पहला व्यक्ति नहीं था अमेरिका की डिस्कवरी करने वाला। तो देखिए थॉर हेयरडल वॉन्टेड टू प्रूव द वर्ल्ड, पूरे संसार को प्रूव सिद्ध करना चाहता था, देयर द एंशिएंट सिविलाइजेशन प्राचीन सिविलाइजेशन हैड रीच्ड एक्स बिफोर कोलंबस, एक्स मतलब सदियों पहले, बिफोर मतलब पहले, कोलंबस के पहले, एंसाइन मतलब होता प्राचीन, और सिविलाइजेशन होता सभ्यताएं, रीच्ड मतलब पहुंच चुकी थी इन द जंगल ऑफ सेंटर पेरू, जंगल ऑफ सेंटर पेरू सेंटर सॉरी जंगल ऑफ सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के जंगलों तक पहुंच चुके थे। कहाँ से होते हुए, ऑन द माउंटेन्स ऑफ पेरू से होते हुए। वाई डिड थॉर हेडियाल वॉन्टेड सॉरी वाई डिड थॉर हेडाल वॉन्ट सॉरी चूज द पेपिरस बोट फॉर हिज जर्नी, उसने मतलब अपनी जर्नी यात्रा के लिए पेपायरस बोट को चूज क्यों करा, पेपायरस बोट। तो देखिए थॉर हेडियाल चूज द पेपायरस बोट, चूज द पेपायरस बोट फॉर हिज जर्नी, अपनी यात्रा के लिए पेपायरस बोट को चूज करा, बिकॉज द इजिप्टियन, जो प्राचीन इजिप्टियन है ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, उन्होंने पेपायरस बोट का यूज करा था, तो इसने पेपायरस बोट का यूज करा। हैड यूज द पेपायरस बोट फॉर सेलिंग ऑन द सी, उन्होंने यूज करा था, तो थॉर ने भी उसका यूज करा। दिस फैक्ट ही केम टू नो थ्रू आर्चिव्स, ये बात उसे पता चला चली थी पुरानी किताबों से, पुरानी धर्म ग्रंथ, पुरानी प्राचीन किताबों के अंदर जो लेख लिखे थे उससे पता चला था। तो ये आर्चिव्स मतलब होता लेख वगैरह ये। ठीक है, तो ये दो तीन आंसर क्लियर हो गए, अगले आंसर की तरफ चलते हैं। वाई डिड, ये गलत हो गया है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है, वॉट एडवांटेज डिड द पेपायरस बोट हैव ओवर अदर्स, पेपायरस बोट के क्या फायदे थे, एडवांटेज थे, वो बताना है हमें यहाँ पर। इन कंपेरिजन टू अदर बोट, दूसरे बोट के मुकाबले में द पेपायरस बोट वर मोर पावरफुल, पेपायरस बोट ज्यादा पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। दे हैड स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर क्या थी, स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली थी। ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर से लुक्ड फ्लिम्सी मतलब पतली, फ्लिम्सी मतलब पतली होती है, बट दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, पर वे भले पतली थी लेकिन स्ट्रॉन्ग ताकतवर थी, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाली थी। अगला क्या है कि व्हाट डिफिकल्टी डिड थॉर डिड हेयर देयर हैव विद द ट्राइबल्स, ट्राइबल मतलब आदिवासी जो लोग थे उनके साथ में क्या डिफिकल्टीज हुई थॉर को, हाउ डिड ही ओवरकम इट, और इससे उसने किस प्रकार छुटकारा, ओवरकम मतलब छुटकारा पाना, सॉल्व सॉर्ट आउट कर देना, सॉल्व कर लेना, ठीक ना। तो हेयर दयाल हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी ऑफ कन्वर्जिंग, क्या था कि जो आयरन कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब बातचीत करने में क्या होती थी, उसे दिक्कत होती थी विद द ट्राइबल आदिवासी लोगों के साथ में। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, जो आदिवासी लोग थे, ट्राइबल्स पीपल थे, वो इसकी भाषा को नहीं समझ रहे थे, किसकी, थोर की भाषा को, और थोर उनकी भाषा को नहीं समझ रहा था। दिस डिफिकल्टी ओवरकम, और ये जो समस्या है ना वो खत्म हुई, किसके थ्रू खत्म हुई, एक ट्राइबल था उसका नाम था अब्दुल्ला, हेल्प ऑफ द ट्राइबल नेम्ड अब्दुल्ला, हु न्यू, वो जो जानता था, थोर को आती थी फ्रांच फ्रेंच भाषा समझ में, और उन लोगों को आती थी पर्सियन भाषा समझ में, तो दोनों ही लैंग्वेज को जानता था। ही एक्टेड एज, तो उसने इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब होता दो भाषाओं का ज्ञाती, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दोनों भाषाओं को जानने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में अब्दुल्ला के द्वारा इसको क्या हुआ, सॉर्ट आउट करा, प्रॉब्लम को सॉल्व करा। व्हाट प्रॉब्लम डिड द क्रू फेस ऑन द फोर्थ डे ऑफ देयर सेल, जो यात्रा के चौथे दिन कौन सी समस्याएं उनके साथ में हुई, ऑन द फोर्थ डे चौथे दिन देयर सेल उनकी यात्रा के समय, द क्रू फेस्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई। एज द लॉस्ट ट्रेस ऑफ टाइम मतलब समय का अनुमान वो खो चुके थे, एंड हेमिस्फीयर को वो खो चुके थे, जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, किस हेमिस्फीयर के अंदर है वो, किस तरफ उन्हें जाना है, मतलब डायरेक्शन खो चुके थे, और टाइम का उन्हें पता नहीं था। दे वर ऑल्सो अनेबल, और
ना, अगला क्या था कि वो अनेबल, असक्षम थे कांटेक्ट करने में, संपर्क करने में, हार्बर मतलब बंदरगाह होता है ठीक ना, रेडियो से बंदरगाह तक संपर्क नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, काफी मेजर बड़ी प्रॉब्लम थी ये। व्हाट हैपन टू नॉर्मन बेकर ऑन 28 जून? 28 जून को नॉर्मन बेकर जो कि ओरिजिनल सेलर था, बाकी तो सेलर नहीं थे, कोई डॉक्टर था, कोई कैमरामैन था, ऐसे सब अलग अलग थे, कोई डायरी वगैरह किताबें वगैरह लिखने वाला था, सात लोगों का जो ग्रुप था उसमें से नॉर्मन बेकर ये यूएस का था और यही असली सेलर था। ये पूरे क्लियर हो जाएगा आपको जब आप वीडियो देखेंगे चैप्टर को जो एक्सप्लेन करा है। तो 28 जून सडनली ए वाइल्ड इंसेक्ट, 28 जून को एक वाइल्ड इंसेक्ट बाइट मतलब काट लेता है नॉर्मन को, इस बंदे को एक वाइल्ड मतलब जंगली इंसेक्ट काट लेता है। ही वेल्ड, अब वो क्या करने लग जाता है, दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है, एंड फेंटेड, और फेंटेड मतलब क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एवरीबडी वाज शेकन फॉर ए मोमेंट, हर कोई थोड़ी सी देर के लिए मतलब हैरान हो जाता है, अचंभे में रह जाता है, शॉक लग जाता है सभी को। थिंकिंग डेड, सब यूँ सोचते हैं कि शार्क हेड बाइट हिम, शायद उसे किसने काट लिया, शार्क ने काट लिया है। तो इसके अंदर से ये जो चैप्टर है ना, 15 नंबर वाला जो चैप्टर है, जर्नी वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 25 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर तो आते नहीं है, 50 वर्ड के आते नहीं है, तो उन्हें समझाने से क्या मतलब। ठीक है, तो आप ये शॉर्ट आंसर कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर से ये सात ही हैं, और साथ में साथ ये सात कर लेंगे तो चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।